स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. अब एक्सरसाइज कर रहे हैं आवर ट्री वाले चैप्टर की एंड फर्स्ट हेडिंग इज रीडिंग इज फन. ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ने में आनंद है, मतलब पढ़ने में मजा आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन है उसके अंदर, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट. ठीक है, कि जो छोटा सा बर्ड है वो फ्रूट को कहाँ पर देखता है. ठीक है, द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट. ये देखो सारा क्वेश्चन में से है, लगभग द से स्टार्ट होता है. द लिटिल बर्ड सी का सीज हो गया क्योंकि यहाँ डज लगा हुआ था, इसलिए सीज हो गया. द फ्रूट पूरा यूँ कहूँ द फ्रूट है आगे, ऑन ए ट्री. ठीक है, ऑन ए ट्री कहाँ पर देखा उसने, ऑन ए ट्री मतलब ट्री के ऊपर देखा उसने फ्रूट को, तो ये थोड़ा अलग आ गया. बस बाकी सारा क्वेश्चन में से था. देखिए वट नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज सी डू. अब सी किस लिए यूज़ हुआ है, उस बर्ड के लिए यूज़ हुआ है. वो छोटा सा बर्ड था, वो फीमेल थी मतलब लड़की बर्ड थी. ठीक है, देखिए उसने क्या किया. ठीक है, वह वट डज सी डू, उसने क्या किया. सी ईट्स ए बेरी, उसने एक बेरी, वह क्या करती है, ये है एक्चुअली क्वेश्चन. तो सी ईट्स ए बेरी, वह एक बेरी खाती है, एक बेर खाया उसने. सी ईट्स ए बेरी, वह एक बेरी खाती है. वट हैपन्स वैन सी ईट्स द बेरी. ठीक है, क्या होता है जब वो बेरी खाती है. ठीक है, क्या होता है, ध्यान है ना, हमने पोएम में पढ़ा था, द बेरी सीड फॉल्स, जो बेरी का सीड था वो गिर जाता है. वेन सी ईट्स द बेरी, जब वो बेरी खाती है. ठीक है, तो सी जो लगाया गया वो बर्ड के लिए लगाया है, और सी लड़कियों के लिए लगाते हैं हम, यानी कि फीमेल्स के लिए लगाते हैं. तो यहाँ पे सी बर्ड के लिए लगाया गया है, कि जो बेरी सीड है वो गिर गया जब उसने उसको खाया. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स टॉक. ठीक है, लेट्स टॉक मतलब आओ चलो बातें करें. अब क्वेश्चन नंबर वन जो है इसके अंदर है, वेयर डू बर्ड्स लिव, कि जो बर्ड्स है वो कहाँ रहते हैं. आप सबको पता है ना बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, है ना. बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, बर्ड्स अपने घोंसले में रहते हैं. देयर का मतलब अपने, यहाँ देयर TH EIR वाला है. दो देयर होते हैं, एक तो TH EIR, इसका मतलब होता है अपना या अपने. ठीक है, नेस्ट मतलब घोंसला. ठीक है, बर्ड्स लिव, लिव मतलब रहते हैं, लिव मतलब रहते हैं, LIVE लिव. ठीक है, लिव मतलब रहते हैं, बर्ड्स अपने घोंसले में रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस. ठीक है, आपने कभी किसी बर्ड को अपने घर के पास देखा है, तो क्या आंसर है, यस. बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, तो यस लिखेंगे, यस आई हैव सीन. देखो यहाँ पे आई, यू का आई हो गया, फिर देखो हैव, फिर सीन, मैनी, एनी की जगह मैनी हो गया, बर्ड्स नियर, और यूर का माई हो गया हाउस. ठीक है, क्योंकि तुमसे पूछ रहे थे, अब बता रहे, तो माई हो जाएगा और आई हो जाएगा, तो क्या होगा, यस आई हैव सीन मैनी बर्ड्स नियर माई हाउस, कि मैंने अपने घर के पास बहुत सारे बर्ड्स देखे हैं. क्वेश्चन थ्री, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन यूर ऑन लैंग्वेज. क्या कहते हैं, देखो, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन यूअर ऑन लैंग्वेज, कि क्या आप उनके नाम जानते हैं इंग्लिश में और तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में. जैसे यहाँ पे ओडिया है, तो आप उन उसकी बात कर रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में जानते हैं या नहीं. ठीक है, तो यस, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, यस आई नो. देखो सारा क्वेश्चन में से है, यस लगाओ सिर्फ, और फिर देखो यू का क्या बन गया, आई. ठीक है, बाकी सारा सेम है. देखो आई नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन माई, माई हो जाएगा. ठीक है, यूअर का माई, ऑन लैंग्वेज, बस यूअर की जगह माई लगाया है और यू की जगह आई लगाया, और डू की जगह यस हो गया, है ना, कि हाँ मैं उनके नाम जानता हूँ इंग्लिश में और मेरी खुद की लैंग्वेज में. ठीक है, यहाँ माई दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देखिए माई लिखा हुआ है, ये माई है, पर ये बोर्ड थोड़ा खराब हुआ है इसलिए ऐसे लग रहा है. ठीक है, माई है यहाँ पे. ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग है लेट शेयर, कि
कि चलो आओ बातें शेयर करें, ठीक है, मतलब आपस में बातें अपनी एक दूसरे को शेयर करें, ठीक है। सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्री, कि उन चीज़ों को सर्कल करना है, गोला लगाना है जो तुम ट्री पर मिलती हैं, तुम्हें ट्री पे, ठीक है, तुम्हें ट्री पे मिल सकती हैं, जो कैन फाइंड है ना, मतलब मिल सकती हैं, ठीक है। बी हाई मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, जिसे हमें शहद मिलता है, हनी मिलता है, ट्री पर मिलता है वो, ठीक है। बी हाइव, देखो बी ई ई एच आई वी, बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता जिसमें वो शहद बनाती है और बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं, ठीक है, बीज रहती हैं। उसके बाद देखो क्लॉथ्स हमें नहीं, मतलब पेड़ से मिलते हैं, कॉटन मिलता है हमें, लेकिन पेड़ तो नहीं मिलते ना, मतलब क्लॉथ तो सीधा डायरेक्ट क्लॉथ तो नहीं मिलते हमें, हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं उनसे, ठीक है, तो सीधे क्लॉथ्स नहीं मिल, हमें ट्री पे क्लॉथ नहीं मिलेगा, हम ट्री से क्लॉथ बना सकते हैं लेकिन, ठीक है, कॉटन से हम क्लॉथ बना सकते हैं। काइट, यस, ट्री पे कभी कभी जब काइट उड़ के आती है और ट्री के अंदर फंस जाती है तो हमें मिल सकती है काइट ट्री के ऊपर, तो इसलिए इसको सर्कल लगाएंगे, ठीक है, देखो सर्कल लगाया हुआ है मैंने, दिख रहा है ना, इसको सर्कल लगाएंगे, बी हाइव को सर्कल लगाएंगे, देखो ऐसे लगाया हुआ है, दिख नहीं रहा वैसे, ठीक है, ये। उसके बाद देखो क्रोज, यस, क्रोज पेड़ पे होते हैं, ट्री पे, तो सर्कल लगाएंगे, बर्ड्स जितने भी हैं ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, ट्रीज पे। पेंसिल ट्री पे नहीं मिल, मतलब हम ट्री पे नहीं मिल सकती ये, लेकिन हाँ पेंसिल को हम बना सकते हैं ट्री से, ठीक है, पेंसिल बन सकती है क्योंकि इसका जो लकड़ी है वो जो बाहर का कवरिंग होता है वो पेड़ से ही बनता है, ठीक है, पल्प से बनता है। बुक भी हमें, बुक जो है वो पेड़ पे नहीं मिलती, लेकिन हाँ बुक के पेपर्स जो बनते हैं वो पेड़ से ही बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो लीव्स, यस, लीव्स तो मिलती हैं हमें ट्री पे, तो गोला लगाना है सर्कल। आंट, यस, चींटियाँ मिलती हैं, हम देख सकते हैं ट्रीज पे चींटियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट, से विच वंस यू लाइक द मोस्ट, कि देखिए पुश कार्ट पे कौन कौन से आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, देखो एप्पल्स, यस, दिखाई दे रही हैं, ये रही एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, यस, ये रहे पाइनएप्पल्स, इधर हैं ग्रीन कलर के, मैंगोज, ये रहे येलो कलर के, बनानास, यस, हैं केले, देखो एप्पल शेप होगी, पाइनएप्पल, अनानास बोलते हैं इसको हम हिंदी में, पाइनएप्पल को अनानास बोलते हैं, मैंगोज मतलब आम, बनानास मतलब केले हैं, ठीक है, ग्रेप्स मतलब अंगूर हैं, ये रहे, ठीक है, ब्लैक वाले हैं। उसके बाद देखो ऑरेंजेस, ऑरेंजेस भी हैं ऑरेंज कलर के, संतरा बोलते हैं हिंदी में हम इनको। अब देखो आपको क्या बताना है, आई लाइक एप्पल्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, कि मुझे इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छी क्या लगती है, एप्पल लगती है। आप अपनी मर्जी से इसके नीचे सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पे जगह है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कॉपी पर लिखने हैं ये पीछे वाले, जो ये वाले रीडिंग इज फॉन और लेट्स टॉक वाले क्वेश्चन आंसर, ये कॉपी पर लिखने हैं, और ये तो यहीं पे कर देना है बुक में ही, और ये भी बुक में कर देना है, बाकी सारा बुक में ही करना है ये, ठीक है। देखिए लेट्स टू आई, हाउ डज ए सीड ग्रो, कैसे एक जो बीज है उगता है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको देखो नीचे जो दी गई हैं, एंड नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, उनको नंबर लिखना है कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है ऐसे, ठीक है, कि सबसे पहले देखो क्या हम पेड़ उगाते हैं सबसे पहले, मतलब पहले हम पानी देते हैं, नहीं, पहले हम पेड़ उगाएंगे तभी हम पानी दे पाएंगे, और फिर बाद में उसकी देखो प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री बना रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, देखो आई डिग द अर्थ, ठीक है, मतलब मैं गड्ढा खोदता हूँ, ठीक है, तो वन नंबर पे यही आएगा, पहले गड्ढा खोदेंगे, फिर आई प्लांट द सीड, फिर मैं बीज बोता हूँ, ठीक है, अब देखो इसने प्लांट लगाया मतलब सीड को बोया है, तो टू नंबर पे ये होगा, पहले देखो गड्ढा खोदा फिर प्लांट लगाया फिर उसमें पानी डाला, ठीक है, तो थ्री नंबर पे ये होगा आई वाटर द प्लांट, कि मैं पानी देता हूँ पौधे को, फिर द प्लांट ग्रोज, ठीक, ग्रोज, जो पौधा है वो उग जाता है, तो ये वाला फोर्थ नंबर पे होगा ना, बड़ा हो गया देखो यहाँ पे, अब
है ना, और सनलाइट ले रहा है। देखो यहाँ पे पौधे को जरूरत होती है सनलाइट की, क्योंकि सन की ऊर्जा एनर्जी से, मतलब जो सनलाइट है ना उससे वो अपना खाना बनाता है पौधा, ठीक है। तो इसलिए उसको जरूरत होती है सन की, पानी की और सोइल से मिनरल्स की। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो अपना फूड बनाता है पौधा, पौधा अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। लेट्स थिंक, चलो और सोचें। पुट ए टिक इफ इट इज़ ट्रू, टिक लगाना अगर सच्ची बात है, सच है तो, और पुट ए क्रॉस इफ इट इज़ नॉट ट्रू, और क्रॉस लगाना अगर वो सच नहीं है तो। देखिए, आई लाइक फ्रूट, अगर आपको पसंद है फ्रूट, जैसे मुझे तो पसंद है, तो मैं क्या कहूँगी, ट्रू। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फ्लावर्स भी पसंद हैं, तो मैं टिक करूँगी। आप अपनी मर्जी से करना, ठीक है। देयर इज़ ए ट्री नियर माई हाउस, अगर आपके घर के पास कोई ट्री है तो टिक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यस, मेरे घर के पास है तो मैं लगाऊंगी। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, यस। अब उस ट्री के ऊपर फ्लावर हैं या नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो मेरे पे तो हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट, मेरे पे नहीं है, जो मेरे घर के पास ट्री है उसके पास नहीं है, ठीक है। वैसे सभी ट्रीज के ऊपर फ्रूट, सभी के ऊपर तो नहीं होते जो, लेकिन जो मेरे घर के पास है उसके ऊपर नहीं है फ्रूट, तो मैं क्रॉस लगाऊंगी, ठीक है। अब है लेट्स रीड एंड राइट, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है ये, देखो यहाँ पे एरो दिखाए होते हैं, ये नीचे एरो गया, फिर ऐसे नीचे एरो आया, फिर इधर से एच और इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना होता है, ठीक है। और वी को ऐसे और ऐसे बनाना होता है, ठीक है। वाई को पता ही है, ऐसे और ऐसे, जेड को ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आपको ये सभी बार बार बनाने हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे बनाने हैं लेटर्स। मुझे पता है सबको ABCD आती है जेड तक, लेकिन सही प्रॉपर वे में आपको बनाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपकी इंग्लिश की कॉपी की तरह दिखाया गया है कि दो पिंक लाइन है या रेड लाइन इसको बोलते हैं, और बीच में ब्लू लाइन्स हैं। तो देख, वर्ड की जो फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल ऐसे ही करनी है कि जैसे W है ऊपर नीचे टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे V भी ऊपर नीचे टच कर रहा है, और Y देखो ब्लू लाइन से स्टार्ट होके देखो नीचे रेड तक गया हुआ है, पिंक वाली लाइन तक गया हुआ है ना, तीन लाइन, ये देखो 1 2 3 थ्री लाइन्स मतलब में ये टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट है। ऐसे जेड जो है वो टू लाइन्स में आया है, ठीक है, ज़्यादातर टू लाइन में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो जो थ्री लाइन में होते हैं, और कुछ ऐसे भी तो जो फोर में भी आते हैं, जैसे एफ होता है, ठीक है, एफ फॉर फ्रूट। तो आपको उसी तरह से फॉर्मेशन करनी है। अब देखो, हेल्प द बर्ड रीच द नेस्ट, ठीक है। अब इस बर्ड की हेल्प करनी है कि ये इस नेस्ट तक पहुँच सके, ठीक है। तो आपको इसके लिए रास्ता फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से जाए, ठीक है। तो देखो आप इसको स्टार्ट करो, देखो यहाँ से गए तो ये तो बंद है यहाँ पे, तो है ना, फिर यहाँ से गए, देखो यहाँ पे ये बंद है ना, तो इसका मतलब यहाँ से जाएगा ये ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ से जाना चाहिए इसको कि ये पहुँच जाए, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यस ये यहाँ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है सबको, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये पहुँच गया, ठीक है। देखो फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि डार्क है ये ग्रीन कलर और इसमें पेंसिल दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से और यहाँ से, और पहुँच गया बर्ड्स के पास। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे रास्ते से जाना है जो खुला हुआ है, ठीक है। तो ये पहुंच गया है, हमने उसकी हेल्प कर दी। अब देखो, कैन यू क्लाइंब ए ट्री, क्या आप एक ट्री पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आप छोटे हैं तो शायद नहीं चढ़ सकते, ठीक है। तो ऐसे ये एक पोएम टाइप है, यस आई कैन क्लाइंब, यस मैं चढ़ सकता हूँ, यस आई कैन प्लक, मैं तोड़ सकता, यस हाँ मैं तोड़ सकता हूँ, यस आई कैन कैच, यस मैं कैच कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है और एक लड़की नीचे है, वो कैच कर रही है, ठीक है, फ्रूट्स को, लड़का फ्रूट तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा है, वो कैच कर रही है, देखो है ना। अब यस आई कैन जम्प, हाँ मैं जम्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पोएम थी और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, मूलीज मैंगो ट्री, ठीक है, मूली का मैंगो ट्री, लिसन रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी।
लिसन मतलब सुनो, रीड मतलब पढ़ो और एन्जॉय करो मतलब उसकी आनंद लो, ठीक है, इस स्टोरी का आनंद लो, ठीक है, एन्जॉय करो मतलब। वन डे मुरली एट ए मैंगो, एक दिन मुरली ने एक मैंगो खाया, ठीक है। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, उसने बीज को अपने घर के पीछे फेंक दिया, ठीक है। थ्रू मतलब फेंक देना, टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना फेंकना, ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे, हिज मतलब अपने, हाउस मतलब घर, ठीक है, अपने घर के पीछे फेंक दिया, थ्रू मतलब फेंकना। मैनी मंथ्स लेटर, कई महीनों के बाद, मैनी मतलब कई महीनों के बाद, लेटर मतलब बाद में, ही सा ए प्लांट, उसने एक पौधा देखा, ठीक है, सा मतलब देखा, ही मतलब उसने, ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, उसने प्लांट को रोज, एवरी डे मतलब हर रोज, हर रोज पानी दिया, वाटर्ड मतलब पानी डाला, ठीक है, वाटर्ड द प्लांट मतलब पानी डाला पौधे में। द प्लांट ग्र्यू, ये क्या है, ग्र्यू, जी आर ई डब्ल्यू ग्र्यू, ठीक है। प्लांट उग गया इनटू ए बिग मैंगो ट्री, एक बड़े आम के पेड़ में, मतलब वो बड़ा हो गया, ठीक है। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रोज ऑन इट, हर गर्मियाँ, हर गर्मी में बहुत सारे मैंगोज उस पर लगते हैं या उगते हैं, ठीक है। नाउ मुरली'स चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, अब नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब, मुरली के बच्चे मैंगो खाते हैं, ठीक है, आम खाते हैं, ईट मतलब खाते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये मुरली है और इसने बहुत सारे मैंगोज इकट्ठे किए हुए हैं और इसके बच्चे खा रहे हैं और इसकी वाइफ भी, सभी खा रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली खा रही है। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, है ना। आपने देखा होगा आपके घर में फर्नीचर है, हमें फर्नीचर मिलता है उनसे, ठीक है, उससे हमें सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और जैसे कॉटन है, कॉटन से हमें, हम अपने कपड़े बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत ढेरों सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिलती है ट्री से, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते बच्चे, बच्चों, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे, हम सांस लेते हैं जो, उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। अब देखो, रीड द सेंटेंसेस एंड टिक द राइट पिक्चर, ठीक है। अब देखो, सेंटेंस को पढ़ना है और टिक करना है सही पिक्चर को, ठीक है। मुरली एट ए, अब देखो दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो बनाना, एक मैंगो। वन डे, एक दिन, मुरली ने एक दिन क्या खाया, मैंगो या बनाना, मैंगो, है ना, मैंगो पे टिक करेंगे। ही थ्रू द सीड या मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने फेंक दिया सीड को या मैंगो को अपने घर के पीछे, मैंगो को नहीं, सीड को फेंका था ना, मैंगो नहीं खा, मैंगो तो उसने खा लिया था और सीड को फेंक दिया था। मैनी मंथ्स लेटर ही सा ए सीड या प्लांट, अब देखो कई महीनों के बाद उसने क्या देखा, सीड को देखा या प्लांट को, प्लांट को, है ना। उसके बाद देखो, ही वाटर द सीड या प्लांट एवरी डे, हर रोज वो पानी देता था सीड को या प्लांट को, प्लांट को, क्योंकि प्लांट बन गया था वो। मैनी एप्पल्स मैंगोज, देखो कह रहा है बहुत सारे एप्पल्स या फिर मैंगोज ग्र्यू ऑन द ट्री, पेड़ पे बहुत सारे मैंगोज लगे थे या एप्पल्स लगे थे, मैंगोज लगे थे ना, तो मैंगोज को टिक करेंगे, एप्पल नहीं लगे थे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ ए ट्री शोइंग लीव्स ब्रांचेस फ्रूट बर्ड्स नेस्ट एंड ए स्विंग, एक ऐसा ट्री बनाना है आपको, उस पर बहुत सारी पत्तियाँ दिखानी हैं, शाखाएँ दिखानी हैं, ब्रांचेस दिखानी हैं, फ्रूट्स दिखाने हैं, बर्ड्स छोटे छोटे दिखाने हैं और घोंसले दिखाने हैं, ठीक है, और एक झूला भी दिखाना है, ठीक है। तो ये ट्राई करना आप बनाने की, ठीक है, कोशिश करना सभी बच्चे, मेरे को पिक सेंड करना इसकी बना के। उसके बाद देखिए, लेट्स टॉक, डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड गिवन अबाव, और ये जो पिक्चर है ना जो आप बनाओगे, इसको फिर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, बताना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। शुड ट्री बी कट, क्या ट्रीज को काटना चाहिए, नहीं, ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्री हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रीज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड हमारी, मतलब बहुत ही नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है
हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन, कुछ ट्रीज के नाम लिखो जो आपने देखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ट्रीज के नाम लिख देना, ये जो जगह दी हुई है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अब। इसी के साथ दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।